और अब हम अयोध्या से बात करने वाले हैं सेहत की स्वास्थ्य की और इस चर्चा के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं समीर भाटी जी को समीर भाटी जी हमारे बीच इस वक्त हैं बहुत बहुत स्वागत है समीर भाटी जी आपका और यहां से हम बात करेंगे सेहत की समीर भाटी जी स्टार इमेजिंग पैथ लैब उसके ओनर हैं बहुत बहुत स्वागत हम बात कर रहे हैं सेहत की स्वास्थ्य की एक बड़ा सेक्टर ऐसा है जिसके विषय में मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि सबसे सरल काम जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना और जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत सरल सलाह देते हैं कुछ भी कठिन नहीं बताते हैं कि आप सुबह जगिए मॉर्निंग वॉक पे जाइए थोड़ा सा चलिए थोड़ा सा दौड़ लगाइए और नियमित खाइए नियमित अंतराल पे खाइए और जो पौष्टिक चीज़ें हैं वो खाइए देखने में काम कितना सरल है लेकिन काम हम कठिन बना लेते हैं और फिर जब कठिनाई होती है तो डॉक्टर साहब के चक्कर लगाते रहते हैं कि कठिनाई हो रही है साहब हमारा इलाज कीजिए तो ये दो सेक्ट ये दो विषय ऐसे हैं जिनके बारे में हम खुद ही अपनी मुश्किलें बनाते हैं और उसका हल ढूंढने के लिए डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं डायग्नोस जो चीज़ें करनी हैं उसके लिए समीर जी एक्सपर्ट हैं समीर जी एक बुनियादी प्रश्न मैं करना चाहता हूं क्योंकि देखिए आप चीज़ों को दिल्ली से देखते हैं आप दूसरे शहरों में भी जाके आ, लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं जब आप अयोध्या को देखते हैं एक ऐसा शहर है जो सबसे पुराना है सबसे प्राचीन है लेकिन व्यवस्थाओं में जब आप देखेंगे तो लोगों को कठिनाई भी है जो डॉक्टर साहब यहीं पर हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से बता रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें भी एक सेक्टर वो है महिलाओं का वहाँ से मैं शुरू करूँगा फिर हर चीज़ पे आऊँगा महिलाओं की जो सेहत है उसको लेकर एक इग्नोरेंस की भावना रहती है कि ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है कुछ महिलाएं भी छुपाती हैं कुछ पुरुष भी ध्यान नहीं देते उस तरफ और क्या बेहतर किया जा सकता है आ, बिल्कुल देखिए जैसा हम बात करें महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो उसमें शहरों और गाँव में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है मतलब एक जो हम टर्म थोड़ा इस्तेमाल करते हैं इसमें कि हेल्थ को लेके वो अपने आप को सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी देती हैं चाहे अभी कोविड के अंदर भी देख लें इवन वैक्सीनेशन के अंदर भी देख लें तो उनको अभी हमारी अगर जो संख्या भी देखेंगे महिलाओं और पुरुषों की तो कहीं ना कहीं उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए भी अपने आप को आगे आके पहल नहीं कही उन्हें लगता है कि घर में सब पहले लगा लें और वो उनको ज़्यादा महत्व देते हैं बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं महिलाओं के अंदर अगर वो समय रहते टाइम से टेस्ट करा लें तो बहुत सारी चीज़ें जो आराम से अवॉइड हो सकती है सरकार ने भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हुए हैं एनीमिया के ऊपर बात कर लें हम तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें डेटा तो हमारे महिलाओं के अंदर एक एनीमिया एक छोटा सा टेस्ट है जो आराम से आप टेस्ट करके उसको डायग्नोस करके और वो आराम से क्योर हो सकता है पर वो भी जो है वो नहीं हो पाता है इसके अलावा बहुत और भी कई चीज़ें हैं आप कैंसर वाला देख लीजिए पैप्स पैप्समेयर वगैरह ये सब टेस्ट हो रहे हैं आजकल सरकारी स्थानों पे मेमोग्राफी वगैरह ये ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर जो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है तो शहरों में तो है ही पर अगर मैं गाँव की बात करूँ या सेमी अर्बन एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पर तो निश्चित तौर पर ये संख्या बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ी लापरवाह जरूर रहती हैं ठीक है अब इसके आगे मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि देखिए आप जैसी जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनके लिए दो तरीके की चीज़ें हैं स्वास्थ्य एक तो सेवा का सेक्टर है और दूसरी तरीके से आप देखें तो एक प्रॉफिट का भी सेक्टर है कि भाई जितनी आप सुविधा देंगे उसके एवज में उतना लाभ भी आपको मिलेगा तो एक अयोध्या जैसे शहर में आप क्या फ्यूचर देखते हैं और कैसे यहाँ के लोगों तक सुविधाएं पहुँचें उसके विषय को लेकर क्या विज़न है आपका जी बिल्कुल देखिए अभी जिस तरह से डिस्कशन हो रहा था सारी चीज़ें आ, चर्चा में जो बातें हो रही थी आगे जिस तरह से कितना डेवलपमेंट आ रहा है और सब टूरिज़्म वाला सेक्टर बढ़ेगा और सब चीज़ें बढ़ेगी तो इसके अलावा हेल्थ केयर तो आप देखिए और कोविड के दौरान भी हमने देखा कि एक वो बेस बेसिक हमारा नीड है बहुत उसकी ज़्यादा ज़रूरत है और अभी फिलहाल अगर हम देखें तो उसमें दो चीज़ें आ जाती है एक तो स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा बढ़ेगा और जैसा हम बात भी कर रहे थे कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए रेफर करना पड़ता है अब इसमें अगर डायग्नोसिस नहीं होगा आप ये मान के चलिए कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेसिक सी स्कैन या इस तरह की सुविधा नहीं है और उसके लिए अगर उसको रेफ़र किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कोई भी पेशेंट के लिए कुछ टाइम जिसको हम कहते हैं वो उसके लिए गोल्डन आवर्स है तो वो उस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं आप कोविड टेस्टिंग को ले लेके देख लीजिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं तो मैं समझता हूँ कि आ, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो टेस्टिंग है उसका एक काफ़ी बड़ा रोल रहेगा और जब हम ट्रॉमा सेंटर और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा डायग्नोस्टिक का एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा तो मुझे लगता है कि जो भी हमारी पीएससी सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये सब होंगे तो उसमें जो बेसिक डायग्नोस्टिक की चीज़ें हैं वो हमें ज़रूर उपलब्ध करानी होगी जिस तरह से हमने अभी देखा भी इस टाइम बहुत तरह की नई नई चीज़ें जीका वायरस डेंगू का किस तरह के इससे प्रकोप रहा तो यहाँ पर जांच का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि जितना जल्दी हम डायग्नोस कर पाएंगे उतना ही जल्दी हम आगे उसको ट्रीट कर पाएंगे ठीक है एक यक्ष प्रश्न है इसके साथ साथ जुड़ा हुआ देखिए दो चीज़ें हैं एक तो जब जमाना वैद्य जी वाला हुआ करता था आप अपनी बात कर रहे हैं मैं थोड़ा और पहले जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि नाड़ी देखी और बता दिया कि मर्ज़ क्या है और मर्ज़ का इलाज क्या है लेकिन आज एक बड़ी भूमिका समीर जी डायग्नोसिस की है क्या इसकी वजह आपको लगता है कि डॉक्टर्स थोड़ा सा जो नए बन रहे हैं थोड़ा सा ध्यान कम दे रहे हैं उन्हें पढ़ाने वाले थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं वो कम ध्यान दे रहे हैं या असल में दिक्कत यह है कि अब सामने वो वायरस है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी बड़ी रिसर्च के बाद पता लगा पा रहे हैं इतने म्यूटेशन है उस चीज़ के कि उसको बिना लैब में जाए और बिना उसका अध्ययन करे वो बता नहीं सकते कि आप बुखार किस किस्म का है तो ये एक प्रॉब्लम है कि भाई डॉक्टर तो मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में भी मैं कहता हूँ कि डॉक्टर मेहनत कर रहे हैं और जिंदगी अपनी खपा रहे हैं पढ़ाई में भी और इसके बाद लोगों के इलाज में लेकिन क्या ये बदलते दौर में बदलते वायरस ये इस तरह के हो गए हैं कि एक बड़ी भूमिका इस बात की हो गई कि जांच हो समय से हो जी बिल्कुल वायरस की तो बिल्कुल बात है ही इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूँगा और डॉक्टर साहब भी इस बात से अवगत होंगे ज़रूर कि अभी अगर हम इंडिया के अंदर भी देखें तो हमारी जो डायबिटीज़ के अलावा प्री डायबिटिक्स इतने हैं और आजकल कोई एज ग्रुप नहीं है जिस तरह के हम रोज़ टेस्टिंग देखते हैं हर एक एज ग्रुप के अंदर मतलब प्री डायबिटिक डायबिटीज़ से ज़्यादा है पर जब उनको बताया जाता है काउंसलिंग की जाती है कि आपको ये डायबिटीज़ होने की संभावना है पर फिर भी कहीं ना कहीं हेल्थ को उस तरह से इग्नोर किया जाता है और इसके अलावा सबसे ज़्यादा हम बात कर रहे हैं कि ठीक है डायबिटीज़ की कैपिटल तो है इंडिया इसके अलावा कार्डियक प्रॉब्लम हार्ट की प्रॉब्लम जो यूथ में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और स्पेसिफिकली बहुत आराम से हम उसको छोटे कई जांचों से बता सकते हैं कई रिस्क फैक्टर से बता सकते हैं पर फिर भी उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया नहीं जाता वायरस की जो अभी बात कर रहे हैं देखिए वायरस का हम शुरू से बता रहे थे कि इसके अंदर म्यूटेशंस होते रहते हैं अपना रूप स्वरूप बदलता रहता है जैसे हम वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं वायरस हमसे बचने की कोशिश करता रहता है तो फिलहाल जिस तरह से अभी एक और नया वेरिएंट जो बताया गया है निश्चित तौर पे जब तक हम बात कर रहे हैं कि पूरा वैक्सीनेशन नहीं हो जाएगा एक जो हम कह रहे हैं कि 90 परसेंट तक लोग इम्यूनाइज नहीं हो जाएंगे तब तक नई तरह के वेरिएंट और खाली इंडिया के लिए नहीं जब तक ग्लोबल इम्यूनाइजेशन ना हो जाए तब तक नए वेरियंट आने की संभावना हमेशा बनी रहती है बिल्कुल एक सवाल समीर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि कोविड से अभी पूरी तरह से देश उभरा नहीं है बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिन्हें बचाया नहीं जा सका लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो किसी तरह से सर्वाइव कर गए लड़के आ, उन्होंने वायरस को हराया लेकिन पोस्ट कोविड जो शरीर पर इफ़ेक्ट हुए हैं उनकी स्टडी किस तरह से आपने की है देखिए ड्यूरिंग कोविड भी हम सब लोगों ने जो टर्म सुना है सब लोग जानते भी है कि इम्यूनिटी के बारे में अब सब जानने लग गए और पहले इम्यूनिटी को लेकर कोई बात ही नहीं करता था और अभी जैसे बताया भी डॉक्टर साहब ने कि प्री डायबिटीज़ ये बहुत आराम से जीवन शैली से बहुत ही आराम से जीवन शैली से ठीक हो सकती है सिर्फ जीवन शैली भी बदलने के लिए हम लोगों को वो इच्छा शक्ति की ज़रूरत है जो अभी बात कर रहे थे बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स जिसका एक बहुत बड़ा कारण है वो सिर्फ हमारी एक हैबिट होती है कि बस हमें खाना है क्योंकि हमें लगा कि अच्छा हमें कुछ खाना है है ना बट अदरवाइज़ हमारे शरीर को उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कोविड के दौरान भी मतलब कोविड में जब हम देखते थे रोज के चार पाँच हज़ार पेशेंट डेली जहाँ पे बैठता था मैं मतलब चार से पाँच हज़ार पेशेंट्स रोज होते थे टेस्टिंग के लिए हम उन्हीं पेशेंट्स के बीच में होते थे सब कुछ होते थे पर किस चीज़ ने हमें सेव किया सिर्फ हमारी इम्यूनिटी ने और जो हमारा खान पान था वो जब हम बात कर रहे हैं हमारे अध्यात्म के बारे में और हमारे अयोध्या में आज हम बैठे हुए हैं यहां पर हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो सात्विक भोजन है वही सबसे बड़ा हमारा अच्छी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा और वही हमें हर तरह के वायरस से हर चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करेगा वही हमारे लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है तो एक तो ये वाली चीज़ हो गई दूसरी जिस तरह से अभी आप बात कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड की पोस्ट कोविड भी ज़्यादातर उन्हीं लोगों के अंदर देखा गया जिनका कहीं ना कहीं जिनको बहुत सारी चीज़ें थी जिनके अंदर पहले से कार्डियक प्रॉब्लम हार्ट की प्रॉब्लम डायबिटीज़ वगैरह इन लोगों के अंदर जो है पोस्ट कोविड काफ़ी चीज़ें देखी गई है अभी तक भी चल रहा है लॉन्ग कोविड भी देखा गया है, तो बेसिक मुद्दा घूम फिर के यहीं आ जाता है जो कोविड ने हमें सिखाया है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी जीवन शैली ठीक करनी है क्योंकि वायरस तो अभी आते रहेंगे नई नई तरह की म्यूटेंट्स आते रहेंगे पर हम लोग अभी क्या कर सकते हैं हम लोग अगर अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे जीवन शैली ठीक कर लेंगे तो फिर हम हमारी बॉडी के अंदर ही हम इस तरह का हमारा शरीर बना हुआ है कि अंदर हमारी इम्यूनिटी इस तरह की होती है कि हम किसी भी तरह की जो वायरस और भी अन्य डिजीज होती है उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं अच्छा डॉक्टर शिवेंद्र जी एक प्रश्न मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ हालाँकि थोड़ा सा हास्यास्पद है लेकिन लोग कहते हैं कि आपके पास पैसा होगा आप पैसे वाले होंगे तो डायबिटीज़ भी साथ में आपके चलती है मीठे होते जाते हैं आप मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूँ क्योंकि हम जिन संतों की नगरी में बैठे हैं आपने बहुत कम देखा होगा कि संत लोग बीमार पड़ रहे हैं अभी आचार्य सत्येंद्रदास जी हमारे बीच में थे वयोवृद्ध हैं लेकिन बोलते भी ठीक हैं सुनते भी ठीक हैं और चलते फिरते भी ठीक ठाक हैं ये क्या हमारी जीवन शैली पैसा रुपया आने के साथ बदल जाती है इसलिए इतनी कठिनाई है इसको कैसे रोका जा सकता है देखिए जो संत लोग हैं या हमारे पहले हमारे पुरखे जो थे जी वो मेहनती होते थे आज के टाइम में पैसा आने से हमारे पास गाड़ी हो गई हमारे पोर्टिको में गाड़ी खड़ी रहती है हम घर से निकले गाड़ी में बैठ गए और जहाँ जाना था वहाँ गाड़ी तक पहुँचे और मुश्किल से पैदल चलना भी छोड़ दिया है तो होता क्या है कि जब आपकी लाइफ स्टाइल इतनी बदल गई है। पैसा आने से आपकी पूरी लाइफ स्टाइल बदल गई वो लोग क्या करते थे टॉयलेट जाने के लिए भी आधे किलोमीटर पैदल चलते थे आज के टाइम में हमारे टॉयलेट भी बेडरूम के अंदर ही हैं तो इस कारण से क्या हुआ हमारा जो इंडियन जीन्स है जिसको हम लोग थ्रिप्टी जीन्स बोलते हैं तो उसमें क्या था कि हम लोग होते दुबले पतले हैं लेकिन हम लोग का जो फ़ैट होता है वो पेट में जमा हो जाता है और जहाँ फैट पेट में जमा हुआ वो आपकी बीमारी की ओरिजिन है चाहे हाइपरटेंशन हो चाहे वो डायबिटीज़ हो तो संत लोग का क्या है कि उनका खान पान उनका खान पान यूजली क्या होता है मैंने कहा ना लो कार्बोहाइड्रेट डाइट वो लोग वेजिटेबल्स पे रहते थे फल खाते थे क्योंकि रात का खाना हमेशा बीमारी की जड़ है आप जो रात में खाते हैं वो लीवर को दिक्कत करता है क्योंकि आप आप आठ घंटे सोते हैं तो आठ घंटे सोते हैं कि अपने शरीर को रस देने के लिए तो अपने लीवर को क्यों परेशान करते हैं रात में जम के खा के लीवर को भी रेस्ट चाहिए तो इसीलिए क्या होता है अगर आप रात में खूब जम के खा रहे हैं तो आपका लीवर फैटी हो जाएगा आज के टाइम में अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए डॉक्टर बोलता है लीवर में सूजन है लीवर में सूजन नहीं लीवर फैटी हो गया लीवर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल आ गया है ताकि आपको उसके बाद आपको डायबिटीज़ हो जाती है अगर आप खान पान अगर रात में आप हल्का खाना खाएं या फल खाएं वेजिटेबल्स खाएं दिन में आप एक टाइम बहुत अच्छे से खाइए दिन के टाइम में खाइए और मॉर्निंग में एक घंटा आप जम के वॉक करिए एक्सरसाइज करिए योगा करिए तो बीमारी आपका एज के कारण से आपकी एजिंग तो होगी लेकिन कोई बीमारियां नहीं होंगी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा क्योंकि एक बार डायबिटीज़ होगी तो डायबिटीज़ अपने सामने साथ में हज़ार बीमारियाँ लाती है आँखों की गुर्दे की सारी कुछ है तो सबसे बड़ी चीज़ है आप अपनी लाइफ संतों से सीखिए अपनी लाइफ उनकी तरह जल्दी उठिए जल्दी सोइए ऑयली खाना मत खाइए कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा मत लीजिए और आपका जो मील्स मेन मील्स हैवी जो हो वो दिन के टाइम में हो ताकि डाइजेस्ट हो जाए रात में खाना आप जल्दी खाएं और खाने में आप मेरे ख्याल से तो ये आप रोटी दाल चावल ये लॉजिक नहीं होता है हमारे यहाँ जितने रिश्तेदार आते हैं वो रात में ही आते हैं और जम के खाते हैं और उसके बाद हम लोग सो जाते हैं और सुबह फिर प्रॉब्लम होती है पेट साफ नहीं हो रहा है यह नहीं हो रहा आप लीवर को रेस्ट दे देखिए फिर देखिए कितना फर्क पड़ता है आपकी बॉडी में सब गंभीर सवाल ये है कि इस वक्त एक और वायरस को लेकर बड़ी चर्चा है कई देशों में यहाँ तक कि भारत में भी अब तो ओमिक्रॉन जो है कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट, ये कितने चिंता की बात है और किस तरह की सतर्कता इसको लेकर बरतनी चाहिए हाँ बिल्कुल देखिए सरकार जो अपना काम कर रही है वो कर ही रही है हम लोगों को निजी तौर पे काम जो करना है ये है कि एक तो जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो अपनी वैक्सीन लगवा ले जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लगाई है उनको तो बहुत ज़रूरी है और जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो अपनी सेकेंड डोज लगवा ले इसके अलावा जिस तरह से हम बात कर ही रहे हैं कि अगर आपको कोई भी किसी भी तरह के लक्षण हो जब पैंडमिक जब महामारी चल रही होती है तो उसमें हमें उसको इग्नोर नहीं करना होता है हमारे घर में जो भी कोम वाले लोग हैं जिनको डायबिटीज है आसमा है हार्ट प्रॉब्लम मैं ऐसी कोई उन लोगों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है तो जिस तरह से हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट को भी जो है आगे निकल गए थे उससे भी और वैक्सीनेशन ड्राइव भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है एक करोड़ के करीब डोजेज़ लग गई है तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि ये वेरियंट से भी हम पार पा लेंगे बस आपको जो है वैक्सीनेशन ड्राइव में ज़रूर साथ देना है डॉक्टर साहब देखिए जो भी जो वायरस कोई भी पेंडेमिक होता है वो म्यूटेशन के बिना नहीं खत्म होता है तो कितने म्यूटेशन हमारी कंट्री में हो चुके होंगे हमें खुद नहीं मालूम है क्योंकि इतनी जीनोमिक स्टडीज नहीं होती हमारे यहाँ पे अभी जो बैंगलोर में डॉक्टर है उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी वो कहीं ट्रेवल भी नहीं किया था तो इंडिया में भी इट्स अभी डेल्टा से भी कितने ज्यादा वेरिएंट्स होंगे वो पता नहीं है और जितना भी ज्यादा म्यूटेशन होता जाता है वायरस में वायरस का स्पाइक प्रोटीन कमजोर होता जाता है तो हमें सावधान रहना है लेकिन इतना डरना और पैनिक होने की बात नहीं है हम प्रॉपरली कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि कोई भी पेंडेमिक खत्म होने में दो तीन साल लग जाते हैं और जैसे जैसे वायरस का सी स्पाइक प्रोटीन कम हो कमज़ोर होता जाएगा वो एक कॉमन फ्लू वायरस बन के रह जाएगा तो हमें ध्यान रखना है और सबको वैक्सीनेशन लेना है लेकिन उतना डर से नहीं जीना है कि ओमिक्रॉन आ गया है ये आ गया हमें प्रॉपर्ली बस कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करो और वैक्सीनेशन लो बस ओमिक्रॉन को लेकर कुछ टेस्टिंग में कुछ चेंजेस होंगे क्या क्योंकि नॉर्मल आपने कोविड टेस्ट बहुत किए हैं बहुत किए हैं अलग अलग जगहों पर लेकिन इस टेस्टिंग के लिए कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नई तकनीक की आवश्यकता है क्या आ, नहीं इसमें वही आपका जो टेस्ट है हम रूटीन में करते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट से डायग्नोस्ड हो जाता है कि आपको कोविड है या नहीं इसके लिए फिर फ़र्दर कौन सा वेरिएंट है उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग होते जो गवर्नमेंट सेटअप पे होते हैं उससे पता लग जाता है कि कौन सा वेरिएंट है कि नहीं है पर सबसे अभी तक की भी जितनी स्टडीज़ आ रही है वैक्सीन सभी तरह के वेरिएंट के ऊपर जो है कारगर है तो इसी वजह से अगर हम डबल जो हम कह रहे हैं कि डबली वैक्सीनेटेड होंगे तो निश्चित तौर पर हमें इससे प्रोटेक्शन मिलेगी और इंडिया के अंदर ख़ास तौर पर देखा गया है कि ज़्यादातर हमने जब सीरो सर्वे भी किया था तो बहुत अधिक लोगों को ऑलरेडी नेचुरल इम्यूनिटी भी हो गई थी तो नेचुर नेचुरल इम्यूनिटी भी मिली है इसके अलावा और अलावा वैक्सीन भी लग गई है तो एक हाइब्रिड इम्यूनिटी बन गई है तो अब आपको बस सिर्फ ध्यान रखना है कि आप अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहिए जिस तरह से हम बात करें आप इम्यूनिटी पे काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको वैक्सीन की इम्यूनिटी भी मिल गई है और आप अपनी अपनी इम्यूनिटी पे भी काम करेंगे तो आप जो है आपको कोविड का बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा छोटा मोटा इंफेक्शन हो सकता है इन्फेक्शन होना एक अलग बात है वायरस तो हो ही सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्ट टेस्ट में आ सकता है है तो होना होना और बीमारी दो अलग बात है। बिल्कुल आ, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर समीर भाटी डायरेक्टर स्टार इमेजिन एंड फाउंडर ऑफ स्टार फाउंडेशन कैसे अब जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अयोध्या को आगे बढ़ना चाहिए नई नई चुनौतियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामने आ रही हैं अयोध्या पर्यटन के लिहाज से आगे बढ़ रहा है तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी आगे बढ़े जब इतने सारे लोग अयोध्या आएंगे तो हमारे सामने डॉक्टर समीर भाटी ने तमाम चीजें रखी मैप रखा कैसे वो आगे लेकर जाएंगे